नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का ये वीडियो है हिंदी विषय की महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। रीट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये एकदम रामबाण सिद्ध होगी। साथ में पटवारी की तैयारी करने वालों के लिए भी यह मान्य है। एलडीसी पटवारी सभी के लिए यह बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीट की बात करें तो रीट के जो 30 क्वेश्चंस आएंगे वो 30 की 30 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रीट के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, सभी में 30 की 30 क्वेश्चंस इस पुस्तक से ज़रूर मिलेंगे। इस पुस्तक का नाम है मित्रों 9 से 12 वाली राजस्थान बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो दोस्तों यह पुस्तक आप देख सकते हो, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 9 से 10, तो 9, 10, 11 व 12, तो इनके लिए ये पहले ये पुस्तक चलती थी राजस्थान बोर्ड में, लेकिन वर्तमान में ये पुस्तक आपको किसी पुराने बुक सेलर से मिल सकती है। तो वहाँ जा कर के आप बुक सेलर से इसको ख़रीद सकते हो, या फिर किसी स्कूल में, किसी पुराने स्कूल में जो कि आपके नज़दीकी स्कूल हो, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ भी ये आपको मिल सकती है लाइब्रेरी में। तो मित्रों कक्षा 9 से लेकर 12 तक में ये हिंदी ग्रामर की ये पुस्तक चलती थी। चलिए इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इसमें क्या क्या है। तो ये है मित्रों, देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में, क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो देखिए इसमें टॉपिक आप देख सकते हो, विषय सूची, भाषा और व्याकरण, शब्द विचार, शब्द विचार खे, शब्द रूपांतरण, लिंग वचन कारक काल और वाच्य, पद परिचय, संधि परिभाषा एवं प्रकार, समास परिभाषा एवं प्रकार, उपसर्ग परिभाषा एवं प्रकार, प्रत्यय परिभाषा एवं प्रकार, कृदंत तद्धित अर्थ विचार, शुद्ध वर्तनी, शब्द शक्ति, वाक्य विचार, वाक्य विराम चिन्ह, मुहावरे लोकोक्ति, अलंकार परिभाषा एवं प्रकार। बाकी ये आपके काम की नहीं है, खंड बे में ये आरएएस में चलते हैं, या फिर किसी जो कक्षाएं चलती थी 9 से 12 तक की उनमें ये काम आती थी। तो आपके जो काम की चीज़ है वो है मित्रों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, भाषा और व्याकरण से लेकर के अलंक मुहावरे तक, 15वें पॉइंट तक, 1 से लेकर के 15 तक, तो ये आपकी काम की चीज़ है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको इस पुस्तक में से मिलेंगे। आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों इसके चलिए दिखाते हैं आपको वर्ण विचार। तो देखिए वर्ण विचार आप पढ़ सकते हो, कितनी सरल भाषा में इसमें दिए गए हैं, देख सकते हो। आपको रिव्यू दिखाते हैं इस पुस्तक का। देखिए इस प्रकार इसमें सभी टॉपिक्स जो है इसी प्रकार इसमें वर्णित किए गए हैं। तो मित्रों इस प्रकार बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए तद्भव तत्सम सभी को आप देखिए एक बार। ये पुस्तक आपने एक बार पढ़ ली, ये केवल 10 दिन के अंदर ये पुस्तक पढ़ जाती है, चाहे कोई नया कैंडिडेट्स हो चाहे पुराना हो, सभी इसको 10 दिन के अंदर पढ़ देते हैं, जल्दी जल्दी में ये पढ़ लेते हैं और 30 की 30 क्वेश्चंस इसमें से सही कर लेते हैं। तो मित्रों ये आपका बहुत बड़ा आधार भी तैयार करती है, साथ में इस पुस्तक में रीट, LDC, पटवार, ग्राम सेवक, SI सभी के अभ्यर्थी इस पुस्तक को पढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में भी ग्रामर के लिए सभी अभ्यर्थी इसको पढ़ते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार ये पुस्तक बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखी हुई है। तो मित्रों ये पुस्तक है, आप देख सकते हो इसको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची हम प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।